हेलो दोस्तों, BHEL के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट्स आने वाले हैं 21 में, बहुत ही जल्दी है। साथ साथ 3 साल के बाद डिविडेंड भी घोषित करने वाली है BHEL। 2019 पिछली बार फरवरी और नवंबर के महीने में उन्होंने 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर किया था, एक बार 80 पैसा का और एक बार 1.20 रुपया का, टोटल 2 रुपए का पिछली बार, मतलब 2019 बहुत साल हो गया है तब डिविडेंड डिक्लेयर किया था। उसके बाद परफॉर्मेंस भी उनका गिरा, रेटिंग पे डाउनग्रेड होते रहे, लेकिन अब डिविडेंड देने जा रही है BHEL। देखिए, अगर सबसे पहले मैं आपको शेयर प्राइस के अगर मैं बताऊं, 5 साल में शेयर प्राइस बिल्कुल आधा हो गया है। तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने समझ लीजिए शेयर को 100 रुपए में या फिर 80 के लेवल पर कहीं पर भी होल्ड किया होगा, तो उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जिन्होंने स्टॉक लिया है, समझ लीजिए 1 साल पहले ही लिया है, तो उनके लिए भी कोई बहुत अच्छा न्यूज नहीं है। स्टॉक प्राइस 60 में भी था, यहां पर 65 का भी लेवल था, 60 के भी लेवल में, तो भी अभी स्टॉक प्राइस 50 के पास है। तो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, यहां तक कि 2022 की भी बात करें तो वो भी स्टॉक नीचे चल रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपके सामने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, क्या कंपनी प्रॉफिट कर रही है, क्या कंपनी नहीं कर रही है। तो देखिए, सबसे पहले ये है अक्टूबर से दिसंबर 2020 के आंकड़े, जहां पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4451 करोड़ का था, और ये आंकड़ा है अक्टूबर से दिसंबर 2021 का, बिल्कुल जो रीसेंट है। 21 तारीख को तो और रीसेंट आ जाएंगे, लेकिन ये रीसेंट डेटा है। तो आप देख सकते हैं 5136 करोड़, मतलब कंपनी कमा रही है, सेल्स कर रही है, रेवेन्यू कर रही है, तो 15% ये इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको ले जाता हूं प्रॉफिट्स की तरफ। तो प्रॉफिट्स की तरफ 231 करोड़ का उस समय में लॉस था, और एक तरीके से हम कह सकते हैं ना, बिल्कुल उम्मीद की किरण जैसा। तो क्वार्टर थ्री में वो प्रॉफिट में आए हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट किया है, बहुत नहीं, लेकिन प्रॉफिट किया है। छोटा सा नंबर है 14 करोड़ का, अब ये एक चीज है। और चूंकि क्वार्टर फोर में भी वो डिविडेंड देने जा रहे हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला आंकड़ा हो जाता है। रेवेन्यू हमने डिस्कस किए, क्वार्टर थ्री के रेवेन्यू, अब पूरे साल का जो रेवेन्यू है वो 17,308 करोड़ का था, जो अब पता चलेगा जो अभी भी 21 तारीख को रिजल्ट आएंगे कि ये 17,308 करोड़ से रेवेन्यू बढ़े हैं या कम हुए हैं। सिमिलरली हमने प्रॉफिट्स को डिस्कस किया, अब ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। 2021 पिछले साल में 2,717 करोड़ का लॉस था, ठीक है, और अभी भी अप्रैल से दिसंबर 2021 जो बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है 9 महीना का, अभी भी 661 करोड़ का लॉस है। क्योंकि क्वार्टर वन क्वार्टर टू में बिल्कुल लॉस हुआ होगा, क्वार्टर थ्री में हो सकता है, इनफैक्ट हुआ भी है, क्वार्टर थ्री में प्रॉफिट हुआ है 14 करोड़, ठीक है, लेकिन उससे पहले लॉस ही हुए होंगे। तो 661 करोड़ का अभी भी लॉस दिखा रहा है, अब क्वार्टर फोर में पता चलेगा कितना लॉस से प्रॉफिट में आई है। तो दोस्तों, इसीलिए BHEL एक रिस्की स्टॉक बन जाता है, अगर आप स्टेबल कंसिस्टेंट, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो है हमारे चैनल में, कम्युनिटी मेंबर्स जो स्टेबल कंसिस्टेंट डिविडेंड स्टॉक्स को बहुत ही पसंद करते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल नहीं है ये, बिल्कुल हाई रिस्क जो है उनकी फर्दर स्टडी के लिए है। क्योंकि यार टर्न अराउंड सोचा जा रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, टर्न अराउंड होगा तो अलग बात होगी। सिमिलरली यहां पर जो दूसरे जो नंबर्स हैं, 9 महीनों के जो नंबर्स हैं अप टू अप्रैल से दिसंबर, तो यहां पर हमने यहां पर अप्रैल से दिसंबर 2021 को कंपेयर किया है अप्रैल से दिसंबर 2020, मतलब ये जो कोविड वाला साल था, खैर उस साल में डिस्ट्रप्शन भी बहुत सारे थे। तो रेवेन्यू हम देख सकते हैं 30% इंक्रीज हुए हैं, मार्जिन जो है 27% हुए हैं, ग्रॉस ऑपरेटिंग मार्जिन इंक्रीज हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हुए हैं, और इन्वेंट्री जो है वो भी कम हुई है। तो एक तरीके से ये दोनों चीजें भी पॉजिटिव आप देखी जा सकती है आपके द्वारा। अब टर्न अराउंड है कि नहीं, सबसे पहले ऑर्डर बुक 1 लाख करोड़ की है दोस्तों। इंजीनियरिंग, हैवी इंजीनियरिंग में काम है, बड़े बड़े अगर कारखाने या फिर प्लांट्स बनाने होते हैं, या फिर कुछ यहां पर कुछ इंजीनियरिंग का सामान बनाना होता है, तो फिर BHEL का जरूरत पड़ता है। तो ये ऑर्डर बुक जितनी बढ़ती रहे उतना अच्छा है। अभी रिस्क अगर आप देखेंगे बिजनेस में, वो है वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी बहुत है क्योंकि सप्लाई साइड में इशू है, हम देख ही रहे हैं मेटल्स के किस हिसाब से भाव बढ़े हैं, तो उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल वो यूज कर रहे हैं, चाहे वो आयरन ओर करे या फिर कोई भी मेटल यूज करे, तो उनका भी इन्फ्लेशन बढ़ गया है, तो इनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो वो एक चीज है। लेकिन इंडिया अगर ग्रोइंग इकोनॉमी है, अगर ग्रोथ करती है कोविड पेंडेमिक के बाद, गवर्नमेंट ऑर्डर्स आते हैं, केपेक्स होता है,
जिसके बारे में हमने बार बार बात की है वीडियो में, तो ये बिजनेस के लिए पॉजिटिव हो सकता है। फिर ग्रीन हाइड्रोजन और बाकी सब ग्रीन एनर्जी पर भी फोकस है गवर्नमेंट का, तो यहां पर भी BHEL को फोकस में रखा जा सकता है। अब रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन जरूरी होगा कि जो ब्रोकरेजेस जो बिल्कुल नेगेटिव है, मैं ट्रैक कर रहा हूं पिछले 2-3 साल से जहां पर BHEL में डाउनग्रेड पर डाउनग्रेड आए हैं, अभी भी बहुत सारे ब्रोकरेजेस इस पर पॉजिटिव नहीं है, जो कि जैसे मैं लेटेस्ट बता रहा हूं गोल्डमैन का अभी भी सेल का और 27 रुपए का टारगेट है। तो क्या ये सब जो टारगेट्स है, तो सिर्फ एक टारगेट है, बहुत सारे ब्रोकरेजेस पॉजिटिव नहीं है, तो क्या इन रिजल्ट्स के बाद इसका जो टारगेट्स हैं या फिर ब्रोकरेजेस, अब क्या नई नजर से देखेंगे BHEL को? तो उसके लिए 21 मई का इंतजार करना पड़ेगा, और सब डिटेल्स आपके सामने हम एनालिसिस करके लाते रहेंगे आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। दोस्तों धन्यवाद आपके टाइम के लिए।